तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस के बाहर हैं, देखिए। हेलो दोस्तों, मैं मकर विजय एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने नए और वीडियो में। अभी मैं चुका हूँ हिमाचल प्रदेश में, अभी ट्रेन में ही है। अभी दो तीन स्टॉप बाद नाहरगढ़ स्टेशन आ जाएगा। स्टेशन पर आ गए हैं, बाहर देखिए मौसम इतना सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा धूप हो गया है। अभी दोस्तों नाहरगढ़ स्टेशन पे हम लोग उतर गए हैं, जो यहाँ अरुणाचल का एकमात्र स्टेशन और लास्ट स्टेशन। देखिए यहाँ पर पटरी भी लास्ट ही है, इससे आगे है नहीं। और यहाँ पीछे देखिए लिखा हुआ है वेलकम अरुणाचल प्रदेश। और अभी हम लोग ILP बनवा रहे हैं, जो यहाँ आपको अंदर जाने के लिए बनवाना पड़ता है ILP, या फिर आप किस काम से आए हैं। तो हम लोग तो GDS के लिए आए हैं, लेकिन तीन लोग हैं तो एक लोग तो जा ही सकता है, बाकी दो लोगों के लिए ILP चाहिए। तो ILP अभी बनवा रहे हैं लाइन में लगकर। अभी कैलाश भाई लाइन में लगे हुए हैं, बन रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए बन रहा पीछे, अभी बन जाता है फिर हम लोग बाहर चलते हैं। जी दोस्तों ILP बन चुका हम लोगों का। अगर आप लोग आते हैं बनवाते हैं तो पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि कौन से होटल में रूम, अगर टूरिस्ट बनवाएंगे तो होटल का नाम वगैरह देना पड़ेगा, और नहीं तो अगर वैसे बनवा रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा किसके वहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग तो DB के लिए आए हैं, तो बोल दिए हैं कि DB कराने जा रहे हैं, तो हो गया है। तो किसी होटल का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ना किसी लोकल लोगों का, तो इसलिए हम लोग का तो बन गया। अब चलते हैं बाहर, बस वगैरह पकड़ते हैं, देखते हैं बस मिलता है कि नहीं मिलता है। प्राइवेट टैक्सी वगैरह करना पड़ता है। अब क्या चेक हो रहा नहीं है तुम्हारा नंबर, ये क्या है, तीन लिखा है ना, बात खत्म। चलते हैं अब गेट पे चेक करवाते हैं। अरे हम लिख दे बिहार विजय भाई। क्या दोस्तों, अभी तो बस जा चुका है और देखिए अभी प्राइवेट टैक्सी वगैरह खड़े हैं। और बाहर इधर देखिए सब पहाड़ी पहाड़। अब देखते हैं अभी कैसे जाना है, अभी डिसाइड होगा। प्राइवेट टैक्सी करते हैं कि पैदल ही सब नापते हैं। और हम लोग जब तक बनवा रहे थे ILP, तब तक बस चला गया। उसके बाद बाहर काफ़ी देर इंतजार किए, कोई बस वगैरह नहीं मिला। हमको लग रहा है सरकारी का टैक्सी हम लोग लिए हैं, जो ईटानगर का अब 500 रुपये में डन हुआ है। अभी तो जा रहे हैं, हाँ वैसे भी 800 रुपये मांग रहे थे, लेकिन तो काफ़ी बातचीत करने के बाद 500 रुपये में भैया रेडी हुए हैं। तो चलते हैं पहले, जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेते हैं। देखिए आज मौसम थोड़ा बादल है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, और पहाड़ों के ऊपर देखिए फॉग है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस के बाहर हैं, देखिए। और चलिए चलते हैं जल्दी से डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं जहां पर सिग्नेचर वगैरह कराना है। अभी GDS ऑफिस से हम लोग आ गए, वहाँ पर क्या था, सेकंड DB के लिए जो आए हैं उनको, उनका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर लिखकर, और वो कुछ बताएंगे आपको कि किस तरह से गांव में जाकर सिग्नेचर वगैरह लेना है, कहाँ कहाँ जो सिग्नेचर करवाना है। वो एक फाइल देंगे, लगभग 10-15 पेज का एक
तो कहाँ कहाँ सिग्नेचर करवाना है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो विश्वकर्मा भाई वही हैं, फिर वहीं से वो चले जाएंगे बस का टिकट लेने के लिए, क्योंकि हमें जिस ज़िले में जाना है वहाँ जाने के लिए एक बस जाता है और वो भी सुबह में 5 बजे ही जाता है, उसके बाद नहीं जाएगा, दिन में एक ही बार जाता है। तो अगर आप लोग भी आते हैं दोस्त टीवी करने के लिए, तो आप जितना जल्दी आएंगे 5 बजे ही आपको बस मिलेगा, तो एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ 5 बजे पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो एक दिन रुकना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग बस वगैरह करके टिकट, वो भी टिकट आप एक दिन पहले ही बुक करना पड़ेगा, और ये ध्यान रहे अगर हमें जाना है तभी टिकट बुक कीजिएगा, नहीं तो पैसा रिटर्न नहीं होता है। अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, पैसा रिटर्न वगैरह नहीं होगा। तो अभी विश्वकर्मा भाई अपना जो भी वहाँ पर ऑफिस में बताएंगे, तो सारी चीज़ें देखने के बाद वो टिकट लेने के लिए चले जाएंगे। और अभी हम लोग भी आ गए हैं, मैं और प्रियांशु भाई होटल में, ये जो यहीं बगल में एक है होटल ईटा फोर्ट नाम से, इसमें हम लोग आए हैं, यहीं रूम लिए हुए हैं। और ये देखिए रूम हमारा ये है, 2 बेड है और ये चेयर वगैरह है, कुर्सी वगैरह, और 2 बेड है, एक बेड है और साथ में बाथरूम भी है। तो है, और अभी हम लोग यहीं रात भर रुकेंगे, और इस मतलब रूम रेंट 1000 रुपये लिए हैं, हम 3 लोग हैं, 2 लोग भी रहेंगे तब भी 1000 रुपये, हम लोग बोले हैं 3 लोग हैं साथ में रुकना है, फिर सुबह में ही चले जाना है, तो काफ़ी मतलब बात करने के बाद बोले ठीक है 1000 में डन हो गया। और हम लोग अभी रूम में हैं, स्टे करेंगे आज अभी, और विश्वकर्मा भाई आते हैं देखते हैं टिकट वगैरह वहाँ के लिए कितने का है, तो अभी वो आ जाए फिर आप लोगों को टिकट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों अभी विश्वकर्मा भाई आ गए हैं बस स्टॉप से टिकट वगैरह लेकर, अभी मैं तो थोड़ा बाहर टहलने चला गया था तो आकर थक गए थे तो लेटे हुए हैं, तो पूछते हैं उनसे टिकट वगैरह कितने का है, और बस वगैरह आपको तो बताए थे 5 बजे का है, तो जानते हैं इनसे पूछ कर आए हैं। अभी सोए ही हैं विश्वकर्मा भाई, टिकट वगैरह कितने का मिला है? भाई टिकट जो है एक दिन का 480 रुपये का पड़ा है, और हम लोगों को जैसे कि जाना है यांगते वैली के लिए एक दिन का टिकट 480 रुपये पड़ा है। और आपको अगर जाना है तो पहले ही टिकट बुक हो जाता है, पहले टिकट बुक होने के बाद फिर मोबाइल पे आपके मैसेज आएगा सुबह आपको 5 बजे वहाँ एक मंदिर है उसके पास पहुँचना है, फिर वहाँ से बस जो है 5:30 बजे रवाना होगी, और वो जब भी पहुँचाएगी आपको बताते हैं बाद में कब पहुँचाएगी। तो विश्वकर्मा भाई ने टिकट वगैरह ला दिया है, और हम लोग भी अब थोड़ा रूम में अभी यहीं रुके हुए हैं, अब चलते हैं कल सुबह में निकलते हैं सिग्नेचर कराने के लिए गांव में, देखते हैं क्या होता है, और लोगों का तो सिग्नेचर हो गया और लोगों का नहीं हो रहा है, और अभी पता नहीं कैलाश भाई का होगा कि नहीं होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी अभी तो हम लोग भी अब दिन भर करेंगे क्या रूम में, तो ईटानगर ही थोड़ा घूम लेते हैं, तो उस घूमने का पूरा अलग से एक ब्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। बाकी अभी कल निकलते हैं GDS का सिग्नेचर कराने के लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिग्नेचर कराते वक्त का।